बंटे जी। मंगल। हाँ बंटे जी, बहुत अच्छी देशता रही। बंटे जी, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भगवान ने तो कहा है कि यही पसी को और अकाली को कहा धम्म के बारे में। तो जब धम्म अकाली को है, तो फिर जैसे आपने कहा कि लोग आते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर वो इससे विरत हो जाते हैं, तो ये तो धर्म ही अकाली को है, तुरंत फल देने वाला है, तुरंत पता चल जाता है, लोग फिर इससे अलग क्यों हो जाते हैं। नहीं, अकालिको का वो अर्थ नहीं है। अकालिको का अर्थ है कि इस धर्म को आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये धर्म अभी काम नहीं आने वाला। ये धर्म मानव कितना भी तरक्कीवान क्यों ना हो जाए, कितना भी विज्ञान में प्रगति क्यों ना कर ले, पर हमेशा से उसे लगेगा, हमेशा से वो धर्म उसके काम आएगा इस क्षेत्र में। मतलब क्लासिक, जैसे क्लासिकल नॉवल होती है ना, कालजयी, कादंबरी वगैरह, तो वैसे टाइप इसको अकालिको का है। फल देने के अर्थ में नहीं कहा गया है ना कि कभी भी फल देगा, नहीं, वो तो उसके लिए कर्म सिद्धांत हो जाता है। अकालिको का तात्पर्य यह है कि ये धर्म व्यक्ति कितना भी सदियों के ना बीत जाए, पर ये धर्म हमेशा व्यक्ति के लिए नया का नया रहेगा। जब भी इस धर्म को सुनेगा लगेगा अरे इसकी आवश्यकता अभी है, इसकी आवश्यकता मुझे है। ऐसा दूसरी जी बात, जो व्यक्ति टूट जाते हैं, कहते हैं ना आपकी, जो लोग दूर हो जाते हैं धर्म से, वो इसलिए भी धर्म होते हैं, इसलिए भी छूट जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी बातें आकर्षित करना शुरू कर देती है ना, दूसरी बातों की ओर वो आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, इस कारण से वो भटकना शुरू हो जाते हैं। धर्म का जो गुण अर्थ वो देखना छूट जाता है उनसे, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज में या बाकी किसी कार्य में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। वाइद्या और कोई? जी, एक और प्रश्न था छोटा सा। बोलिए, पूछिए जी बंधु ना। जी, बंधु जी, ये जो मनोकर्म है वो तो तीन होता है, अभिज्ञा, व्यापादा और इच्छाशक्ति होता है जी। तो इसमें भंते जी थोड़ा सा अभिज्ञा को आप थोड़ा बता देते हैं। अभिज्ञा मतलब लोभ होता है ना, जो लोभवश व्यक्ति जो कर्म करता है, जो लोभ उत्पन्न करता है कि मेरे पास होना चाहिए, मुझे प्राप्त होना चाहिए, है ना, मेरा होना चाहिए, ये है अभिज्ञा। तो रागा राग काम छंदा और अभिज्ञा एक ही हुआ या फिर उस आग मतलब आसक्ति हो जाता है, अटैचमेंट। सा बनते जी मला विचारायचंय, जे संध्याकाळी जे 10 वाजता जे मेडिटेशन असते 1 तासाचं, तर त्याच्यामध्ये जे गणतेजी सांगतात ते पूर्ण टोटल इंग्लिश मध्येच सांगतात, तर हिंदी मध्ये नाहीये का? हॅलो, क्या करिए, तुम्ही शालूजी संपर्क साधावे, ठीक है, आप संदेश सालवे जी से संपर्क साधे, उसके लिए वो आपको इसके बारे में ब्रीफ करा देंगे, ठीक है। लेकिन सर वो संपर्क कैसा करना है? संदेश जी मेरे पे होंगे, संदेश जी, आप ग्रुप पे हम आपको मैसेज कर देंगे, आप आपका नंबर भेज दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज करती हूँ, तो जो भी डिटेल्स होंगे ना तो वो संदेश सर आपको भेज देंगे। अच्छा, थैंक यू जी। ओके मैम। हेलो, हेलो। बंते हाँ जी, पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस होती थी मेरी और उत्साह भी रहता था, लेकिन ना अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब उत्साह कम हो रहा है और कभी कभी पढ़ने का भी मन नहीं करता, वीडियो का भी मुझे सुनने का मन नहीं करता है। पढ़ने के लिए जाती हूँ
एक दो चैप्टर पढ़ लेती हो, फिर भी मतलब जो उत्साह होता है धम्मा की बात कर, धम्मा का धम्मा किताबें। हाँ धम्म की बात कर रही, मतलब पुस्तक किताब भी मैं पढ़ती हूँ। तो एक शिविर करके आई मैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो रही थी और अभी छूटने जैसा ही हो रही है। सही, ऐसा ही होता है ना। इसका मतलब आप किसी और कार्य में ज्यादा समय दे रहे हो। आप एक ही दिन में धर्म सुनते हैं? क्या लास्ट टाइम आपने धर्म कब सुना था? नहीं, मैं रोज तो सुनती हूँ वीडियो, एक ना एक नहीं क्या सुनती हूँ, लेकिन जितना उत्साह चाहिए वो नहीं बन रहा है। तो अगर वो उत्साह नहीं बन रहा, कर या वो वीडियो सुनने के बाद उत्साह नहीं आ रहा, तो वो छोड़ दीजिए, कोई और वीडियो सुनिए जिसमें उत्साह हो। कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति कभी कभार कुछ समस्या लेके बैठता है या कुछ प्रश्न लेके बैठ जाता है, जो उसे कॉन्शियसली पता नहीं होता है कि ये समस्या लेके बैठा है या प्रश्न लेके बैठा है। तो अगर वो वीडियो में आपको रुचि नहीं आ रही है, उस इतनी ज्यादा मन नहीं लग रहा है, चेंज कीजिए, है ना। ये कभी कभार हम हाँ प्रश्न लेके बैठ जाने के कारण क्या होता है कि हम लोग हैं कुछ और मन चलने के कारण हम उसमें रुचि नहीं आती, या मन में कोई बात पकड़ के बैठ जाते हैं। तो धर्म श्रवण इसलिए भी करते हैं, ठीक है, ये नहीं, अगर हमें तो धैर्य नहीं हो, डेवलप नहीं कर पाए, इसलिए फिर आप ये यूट्यूब है, ये नहीं तो दूसरा दूसरा प्रश्न सुन लीजिए, है ना। पर जिसको हाँ सुन के उसको ढूंढिए, सुनिए कि क्या, और ये नहीं है ना, हाँ दूसरा सुनो, ये नहीं है सुनो, बट खोजो। या फिर किसी भिक्षु को कॉल लगा के चर्चा करो, एक साथ मेरे साथ चर्चा करो धर्म के विषय में, हाँ पर ये बात को जानो कि हाँ रुचि कम हो रही है, चलो रुचि निर्माण करते हैं, है ना। ओके जी हाँ छोड़ो मत धर्म सुनना, रुचि कितनी भी क्यों ना है, करते रहो। एक एक ना एक दिन ऐसा उपदेश हाथ में लग जाता है कि फिर से पटरी ट्रैक पे आ जाती है ना। ओके हाँ चलते रहो, कभी कभार घनघोर अंधेरा भी आते हैं, जंगल भी आते हैं, पर चलते रहो, जंगल भी पीछे छूट जाता है, एक समय आता है, चलना नहीं छूटना चाहिए। इसलिए संकल्प संकल्प लेके चलो कि भाई एक बार का खाना छूट जाए चलेंगे, पर प्रोजेक्ट सुना नहीं छूटना चाहिए। ओके बनते जी वन नाइन बनते जी। हेलो मंगलो वंदामी बनते जी, मंगलो, हाँ शीला पटले बोल रहे हो बनते जी, बालाघाट से। बनते बोलिए ना। जी मेरा ये एक क्वेश्चन है, ये रतन सूत्र जो है, रतन सूत्र में ये छठवीं गाथा है बंते जी, ये पुग्गला अठ संत पस्सथा, चत्तारी एतानि युगानि हुंती, दे दक्षिणेया सुगतस्स सावका, एते सुदिनानि महाफलानि। तो ये बुद्धि द्वारा प्रशंसित आठ प्रकार के जो व्यक्ति है, ये आठ प्रकार के व्यक्ति, इनकी चार जोड़े होती है, ये बंते जी मैं ये समझना चाह रही थी। हाँ, आठ प्रकार के व्यक्तियों को, जो अठ पूरी सब पुग्गला, तो आज जी जो आर्ट होता पति फलस्त नहीं तो मार्गस्त, सकृदगामी फलस्त नहीं तो मार्गस्त, अनागामी फलस्त नहीं तो मार्गस्त, अरहंत फलस्त नहीं तो मार्गस्त, ऐसे कुल मिला के आठ है। और इन्हीं आठों को चार जुड़ियों के रूप में भी देखा जाता है शॉर्ट में, जैसे जी अब इसमें है सुदामाजी बंते फलस्त जी, मार्गस्त एक जोड़ी हो गई, सकृदगामी फलस्त मार्गस्त एक जोड़ी हो गई, अनागामी फलस्त मार्गस्त एक जोड़ी हो गई, और अरहंत फलस्त मार्गस्त एक जोड़ी हो गई। जी बंते जी, ये बहुत अच्छी गाथा में कई सारे ऐसे बहुत वर्ड प्यारी है बनते ये जी। दक्षिणी या सुगत सावका, जी इतना प्यारा बनते सुगत सावका, जी वो सुगत जो सावक है वो जी उनको जो है कितना फलदायी होता बताया उसे। जी बनते जी वही तो, इसको ये पढ़ो, इनका हिंदी में अनुवाद पढ़ो तो ये कोई कोई वर्ड ऐसे है बनते जी जो समझ में नहीं आते, इसलिए नहीं तो मैंने मेरा आप लेक्चर हुआ है ना इस पे, मेरा जी लेक्चर हुआ है, ये एक गाथा है, मेरा लेक्चर हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं, अवेलेबल शायद बनते जी मैं नहीं जुड़ पाई हूँ उस दिन। और मेरा एक क्वेश्चन है, है यूट्यूब पे बनते अवेलेबल है। जी, आपने इसका बहुत अच्छे से मुझे मेरे डाउट्स क्लियर किए, मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मेरा एक क्वेश्चन है बनते जी, हम देखते हैं बनते जी कई जगह ऐसा कि विपश्यना को लेकर के और पूजा को लेकर के,
मतलब हम जो पूजा करते हैं बुद्ध धम्म संघ वंदना पूजा हो गई, फिर ये सूत्र पढ़ लिए, तो कई लोगों के ऐसे मत है भंते जी कि पूजा नहीं करना चाहिए, कई लोगों के ऐसे मत है कि विपश्यना नहीं करना चाहिए, तो ये दो मत मेरे जो दोनों है मत है, वो जी मेरे दोनों मत क्यों? जी भंते जी साधु 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 मैं ये कहता हूं कि जो मानवीय जो मानव है ना, इतना हल्का मन है इसका, जी इतना हल्का मन है कि इतने जल्दी बह जाता है, भटक जाता है, क्या बताओ। जी भंते और जी दोनों दोनों से व्यक्ति अपनी हानि करा रहा है। जो भगवान ने जो मध्यम मार्ग बताया है, वो मध्यम मार्ग हर रोज छूट जाता है, जी कुछ भी मध्यम नहीं रहता इनका। आप देखो, पूजा वाले पूरे पूजा में धस जाते हैं जी और विपश्यना वाले पूरे विपश्यना चले जाते हैं। दोनों में कोई मध्यस्थ नहीं है। पूजा करने वाला आनंद ले रहा है पूजा से, और विपश्यना करने वाला विपश्यना से आनंद ले रहा है। कहा धर्म हो रहा है? लोग आनंद के लिए कर रहे हैं पूजा, जी विपश्यना भी लोग आनंद के लिए कर रहे हैं। कहाँ रह गई विपश्यना, कहाँ रह गई पूजा? मैं खुद अपनी आंखों से देखा, जितने भी लोग पूजा में गिर गए एक बार, तो उनके लिए एक आनंद बन गया है। निर्वेद वैराग्य जो भगवान कहते हैं, भगवान ने बार बार कहा कि मेरा ये धर्म वैराग्य के लिए, मेरा ये धर्म निरोध के लिए, मेरा ये धर्म एकांतवास के लिए, पर नहीं। तो जो सही मायने में जो भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग को समझता होगा, वो अपने आप को परखेगा। हमारे एक भंजी कितना प्यारा कहते थे मुझे, कि इतना मुझे जो आज भी बड़ी बात आज भी मुझे याद आती है, कि हमारे एक भंते जी मुझे आके बोलते हैं कि शिवली भाई, जब बुद्ध के बारे में बताता हूँ ऐसा लगता है ना कि भक्ति भाव बता रहा हूँ। ये देखो, वो भिक्षु की स्थिति देखिए, कितने सावधान रखना चाहते हैं अपने जीवन को, कि बह तो नहीं जा रहा। पूजा वाले भी बह जाते हैं, यहाँ पूजा करने से, यहाँ पूजा बजाने से बड़ा अच्छा होता है, बड़ा लाभ हो जाता है, या ये वो। ऐसा नहीं होता है। हम ये पूजा, ये विपश्यना किस लिए कर रहे हैं? अरे ये क्रमिक शासन, आपको क्रम क्रम से आगे बढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि मेरा क्रम बराबर स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। एक समझ जाओ, अगर आप एक पतली तार पे चल रहे हो, एक पतली तार पे, आसमान पे एक पतली तार पे चल रहा हूं, तो कितने सावधानी से पैर रखते हैं आप, उतने ही सावधानी से रखा जाता है पैर गुरु शासन में। गुरु जी भी बार बार बोलते हैं कि बड़ी बारीक विद्या है, बड़ी नाजुक विद्या है। इस शब्द को समझिए, नाजुक शब्द मतलब कोई नाजुक ऐसा ही, आप इतना हल्के मिल रहे हैं लोग। तो जो पूजा वाले कर रहे, वो पूजा क्यों कर रहे उन्हें पता नहीं, उनको आनंद आ रहा है इसलिए वो कर रहे हैं। तो उनका प्रेजर प्रिंसिपल हो गया, उपादान बन रहे, संस्कार बन रहे, है ना। और विपश्यना वाले भी वो आनंद में, उसमें भी आनंद ले जा रहे हैं। कि विपश्यना क्यों की जाती है? विपश्यना तो मैं कर रहा हूं, मैं अपने पूरे बॉडी में अनित्य दुख अनात्मा देख रहा हूं, पर क्या वो अनित्य दुख अनात्मा मेरे में वैराग निर्माण कर रहा है क्या? हाँ, मेरे में बुद्ध शासन के प्रति, इस अनित्य दुख अनात्म लक्षण के प्रति, एक तरफ हम इधर विपश्यना कर, दूसरी तरफ एकदम लीपापोती लगाते हैं, मस्त पाउंड से लेकर अच्छे अच्छे साड़ियां पहनेंगे, अच्छे महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे, कहां से जमेगा बाबा? आप तो कंडीशनिंग कर रहे एक तरीके से, नए तरीके से अपने अपने चित्त के नए संस्कार निर्माण कर रहे। तो ऐसे तो नहीं होती विपश्यना। जी तो अपने आप को सावधान रखो कि मेरे में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम इधर भगवान की वंदना करते हैं, फिर उसे वंदना करते हैं, तो कितना साफ साफ कहा गया है, कायो कायो दिगुच्छो सकलो दिगंध गच्छन्ति मरना सब ध्यान जाए। कितना प्यारा गया, वन्न गंध, क्या कहा गया, वन्न गंधं एतं जोड़ो कुसुमस, वन्न गंध एतं कुसुम संतति, क्या कहा गया, कुसुम अभिधर्म बोल दिया उस गाथा में उन्होंने। वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूज्ययामि मुनिन्द्र से पारस। तो वो संतति की बात हो रही है, तो वो सब वो जानने कर रहा है क्या व्यक्ति? अरे जानने में ही तो भगवान का धर्म शुरू होता है। सती, सती से भगवान के धर्म की शुरुआत होती है, क्योंकि सती ही एकाय में, सती को एकाय में मग्गो कहा गया है। तो सती ही नहीं रहती व्यक्ति की पूजा करते हुए, है ना। तो फिर कहाँ से? तो इसलिए मैं तो मतलब कि भाई मैं हमेशा दोनों में एक मध्यम मार्ग रखना पसंद करता हूँ। वो जी रहता ही नहीं, छूट जाता है मध्यम मार्ग, छूट जाता है व्यक्ति का। वो कहते हैं टोक में जाना आसान है, तो टोक में जाने के कारण जो कह रहा है, पर जो टिप्पणी कर रहा है वो भी अपने तरीके से टिप्पणी कर रहा है, उसकी भी गलती है। तो मैं यही कहूंगा कि जब पूजा कर रहे हो तो किस अर्थ के लिए कर रहे हो, उद्देश्य क्लियर होना जरूरी है।
विपश्यना कर रहे हो, तो ये बात जानो कि एक तरफ मैं विपश्यना कर रहा हूँ, दूसरी तरफ क्या मेरा सही में कृत्य वैसे है क्या? अंति दुखन आत्मा वाले, है ना, एक तरफ मैं इतना अपना स्किन को लेके, अपने पहनावे को लेके इतना ये, और दूसरी तरफ मैं ऐसा हूं, तो फिर इसलिए मैं जब साधना करता हूँ अपनी, तो मुझे पता है कि मुझे किस तरह की साधना की आवश्यकता है जी ना। मैं एकदम से अपनी विपश्यना शुरू नहीं कर देता हूँ कि बाबा बैठ जाओ विपश्यना शुरू कर दो, ऐसा ऐसा नहीं। जी सुन, भंते जी, तो आप देखिए। मैंने भी 2 शिविर की हूँ। पिछले साल एक शिविर की 10 दिन वाला, और इस साल एक शिविर की 10 दिन वाला। अभी मैं 22 मई को ही आई हूँ 10 दिन का शिविर करके। तो मैं उपासना के पहले मैं भी पूजा वंदना सूत्र पठन किया करती थी घर में, अभी भी करती हूँ। तो मैं जब इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ा करती थी, मुझे बहुत इससे शांति मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता था इसको। लेकिन जब मैंने विपश्यना की, तो विपश्यना करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जितने हमारे सूक्त है, ये सारी चीजें विपश्यना पर आधारित है। बंते जी, ये सही है? क्या कहा आपने? जैसे ये जो सूत्र है, हमारी पूजा जो है, पूजा जो होती है, हम जो सूत्र पढ़ा करते हैं, तो ये सारी चीजें विपश्यना पर ही आधारित है, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। देखिए विपश्यना से जो एक सबसे सुंदर काम, वो तो छोड़ी जानी थी दुकानात्मा, वो तो बहुत आगे की बात हो गई है कि हर चीज को दुकानात्मा के रूप में देखना, और जो सबसे सुंदर काम ये होता है कि व्यक्ति अपने लोभ से, अपने द्वेष से परिचित होना शुरू हो जाता है, जी बनते हुए इसके पहले जो है ना, और जब इस प्रकार से वो परिचित होना शुरू कर देता है, तो वो गाथाओं द्वारा उसको धर्म और अच्छी प्रकार से स्पर्श होना शुरू हो जाता है। जो धर्म स्पर्श है उसको अलग, उसका दृष्टिकोण उसका अलग हो जाता है, उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है एक एक गाथा के रूप में। जब वो कहता है कि अट्ट पूरी से पुंगल ऐसे भगवतो सावत सुंदर हो गया, तो हर एक चीज उसका जो धर्म स्पर्श होता है वो अनुभव करता है कि आर्य पुगल है, जो उस लोभ और उस द्वेष और मोह से जड़ों से नष्ट हो चुके हैं, वो भी उनमें उत्पन्न नहीं होता है, तो इस प्रकार से वो देखता है। तो हाँ, जब विपश्यना शुरू हो जाती है या जब साधना का अभ्यास शुरू हो जाता है, तो आपका प्रतिपदा शुरू होता है, रास्ते में चलना शुरू हो, ठीक है। आप भावित करना शुरू कर देते हैं, आप अनुभव के रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, प्रणाम भंते जी। हाँ जी भंते जी, सबसे पहले तो आज आपने इतना इतना जो गहन विषय उठाया, और इतने सारे क्वेश्चन और इतने सारे डाउट थे ना, वो सारे बहुत सारे आज की धर्म देशना से निकल गया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते हैं कि ऐसे फालतू के ही क्वेश्चन, लौकिक क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। एक्चुअल में मकसद हमारा विपश्यना करने का क्या है, कि हमें मुक्ति का मार्ग चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये तो भगवान का तो मुक्ति का मार्ग है। और मैंने आपका वो भी जो आपने अभी बुक डाला था सोशल मीडिया पे, मैंने वो भी पढ़ा, जो आर्टिकल था कि हम बार बार दुख की ओर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भी हमें पता वो दुख का मार्ग है, फिर हम वापस क्यों जाते हैं? मतलब आपने ऐसा पूछा ना कि फिर भी अगर हम उसकी ओर जा रहे हैं, वो पता है दुख का मार्ग है, फिर भी हम उसी की ओर क्यों जाते हैं? एक तो मेरा एक क्वेश्चन था, और एक मेरे को ना गंते जी, ये जो 16 आनापान के जो भाग है, गुरु गोविंद का जी ने तो लॉन्ग कोर्स में भी नहीं बताया है, मैंने अभी 1 मंथ का किया था, और तो उसमें भी इतना मतलब ऐसे 16 पार्ट नहीं बताए, कि उन्होंने तो बस जस्ट ये बताया कि नोजल पॉइंट का जो मेन छोटा, जितना हम अपना फैला हुआ दिमाग माइंड को जितना छोटा कर लें, बस उस पे ध्यान रखें, और आते जाते पूरी सांस को हमें परफेक्टली पता होना चाहिए जब हम आनापान करते हैं 10 दिन का। तो मुझे वो 16 भाग समझ में नहीं आ रहे सती पठान के अकॉर्डिंगली, कि कायानुपासना में जैसे हम कायानुपासना करते हैं, धम्मानुपासना करते हैं, वेदनानुपासना करते हैं, चित्तानुपासना करते हैं, तो वो किस तरीके से उसके ऊपर, एक मैंने जो इसी में एक बंते जी आते हैं वो बताया, मैंने उनका वीडियो भी सुना, पर मुझे वो समझ नहीं आया। तो बस ये 2 क्वेश्चन है बंते जी मेरा।
ब्रांच का मेरे ख्याल से 16 सीजेस ऑफ खानापान पे है, आप शेयर कर दीजिएगा संदेश जी। और दूसरा अच्छा जो आपका प्रश्न, और मैं भी आगे जाके जरूर देने वाला उस पे, पर इट विल टेक टाइम, आई थिंक इट विल टेक वन मोर ईयर। सो इस पे जो उसके जी बाद में शायद 1.5 साल बाद साधना पे लेक्चर देना शुरू करने वाला हूँ, इसलिए समय है 1.5 साल बाद, तब तक आप रुकिएगा। ठीक है बंते और जी, मुझे मेरा भी वही क्वेश्चन था कि हमें पता ही है वो दुख का मार्ग है, फिर भी हम मुड़ मुड़ के वापस वही जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। और क्योंकि इसमें जो भगवान ने दूसरा सत्य की जो भगवान ने परिभाषा की नंदी राग सरलता, कि हमें उसमें आनंद आता है सबसे पहली बात, हाँ ठीक है, जी, और उसका आसक्ति आसक्त, आती है, आसक्ति होती है। तो वो जो आसक्ति होती है वो हमें उसकी ओर लेके जाता है, क्योंकि उस समय कभी हमें आनंद मिला था, तो हमें उस आनंद आसक्ति और उसी आसक्ति की तलाश में, उसी आनंद की तलाश में हम बार बार, क्योंकि हमारे मन को कंडीशनिंग हो चुकी है, हमारे मन को कहने का मतलब कि वहां पे जाके शायद से मिल सकता है, इसलिए बार बार वहां जाके देखना चाहता है व्यक्ति, बार बार वहां जाके देखना चाहता है, उसे लगता है कि कुछ चेंज कर सकता हूँ, उसे लगता है कि मुझे कुछ नया मिल सकता है, उसे लगता है कि मुझे कुछ छूट गया है। ये जो भावनाएं होती है कि कुछ छूट गया है या कुछ नया मिल सकता है, या फिर से एक बार चेक तो कर लू कि क्या हो रहा है ना, क्योंकि तो अभी वो आनंद नहीं मिल रहा उसे उस बात से, उस वस्तु से, उस चीजों से, इस तो बार बार अतीत पे जाना चाहता, दुख को जाना चाहता है। और दुख कहाँ से आता है? दुख अतीत से नहीं तो भविष्य से ही आता है, वर्तमान में जो दुख मिलेगा ही कहाँ पे, अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति अगर आगे में मरा हुआ है, इसलिए नहीं रो रहे उसकी क्यों आगे में मरा हुआ है, हमें अपेक्षा है भविष्य को लेके, हमारी यादें अतीत, अतीत की यादें वर्तमान में आ रही है और दुखी कर रही है, भविष्य की अपेक्षा है जो वर्तमान में आ रही है, और एग्जैक्टली हमें लग, तो हमारा जो मन है अतीत में भविष्य जाने का, जो बार बार मन करता है ना आसक्तियों के कारण, वो सुख जो फिर सुख उसके चलते, इसलिए भगवान ने कहा है ना कि नंदी राग सहगता, कि ये जो तृष्णाएं हैं ये इसका स्वभाव है कि ये आनंद के ऊपर, सुख के ऊपर आसक्त होने वाली है और वहीं पे बार बार जाना चाहती है, स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि बंदर का स्वभाव होता है छलांग मारना, आग का स्वभाव होता है जलाना, शीतल देना, वैसे तृष्णाओं का स्वभाव है कि ये आनंद के ऊपर आसक्त हो जाती है और वो उसी कारण वो बार बार वही उत्पन्न होना चाहती है और उत्पन्न होती रहती है, तो इसलिए व्यक्ति बार बार अतीत में जाना चाहता है, भविष्य, भविष्य में जाना चाहता है, और ये अतीत और भविष्य उसका दुख है, वर्तमान दुख नहीं है, तो ये कारण दुख की ओर जाना चाहता है, क्योंकि उधर आसक्त है, उधर उसको लगता है कि सुख मिलेगा मुझे, है पर भंते ना। जी, जैसे सभी के लिए तो आसक्ति नहीं होती है, हमारे कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए आसक्ति होती है, तो उसमें क्या किया जाए? जिस व्यक्ति की, जिस 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 व्यक्ति को लेके, पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके हमारी जो आसक्ति होती है, हमें सबसे हाँ पहले जी देखना वो जिस बात को लेके, उस व्यक्ति की भी किसी बात को लेके हमें आसक्ति होती है ना, तो वो बात हाँ सही जी में उतनी इम्पोर्टेंट, वो बात का विपरीत पक्ष क्या हो सकता है, ओके ये बात वर्तित होती है तो क्या अंजाम हो सकता है उस पर, इस प्रकार सोच, और ये कभी ना कभी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये कभी ना कभी हाँ होगा, जी उसमें ही जरूर करना चाहिए अपना मन, तो धीरे उसका मन अपने आप उसकी ओर निराशमय होता है ना, ऐसा मन झुकाना चाहिए उस गुण के तरफ, उसके दुर्गुण के तरफ, मतलब हमें दोनों पक्ष देखने चाहिए कि इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो दोनों सकता। पक्ष आसक्ति हाँ छोड़नी है, जी डिपेंड, हाँ जी अगर आपको उससे और आसक्ति छोड़नी है तो दुर्गुण देखो, उसका विपरीत पक्ष देखो, अगर मैत्री ठीक करने सगुण देखो, है भंते जी, बहुत बहुत आज का तो आपका धर्म देशना इतना अच्छा था भंते जी, बहुत ही बहुत सारे फिर से अवेयर कर दिया आपने हम सबको आज, मुझे तो बहुत अवेयर किया आपने। और मुझे वो आनापान के जो 16 भाग है, अगर आप कभी रिकॉर्ड करो तो मुझे अच्छे से उसको डिटेल में बताइएगा, तो हम और अच्छे से, मुझे लगता है कि और गहरी साधना हो सकती है, और भगवान ने जो मार्ग बताया तो थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत जी प्रणाम पंडित। वंदने वंते जी, हेलो। मंगल हो, मंगल हो। हाँ
पंते जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे आपको वंदन करना था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आज की साथ धम्म देशना, हाँ आज की धम्म देशना इतनी अच्छी थी, बहुत ही, मेरे तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यानी आज जो भी, यानी साथ आपने बताया कि पहले प्रायोरिटी इसको देना चाहिए, मैं यही सोचती थी कि बाद में सुनूंगी, बाद में देखूंगी, ये यानी आज मुझे पूरा क्लियर हो गया कि पहले धम्म देशना सुनना चाहिए, ऐसा संकल्प करना चाहिए कि पहले खाना खाने के पहले धम्म देशना सुनना ही चाहिए, धम्म को सुनना चाहिए। थैंक यू साथ भंते, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। साधु साधु साधु।